सब्सक्राइब कीजिए सरफेस टेक को और बेल आइकन दबाइए और देखिए नए वीडियोस जल्द ही। सो हेलो गाइस, वेलकम टू सरफेस टेक। आज मैं लेके आया और एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 अभी परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका थोड़ा सा रिव्यू है, और मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आपको सही में अभी के टाइम में उसको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो सरफेस टेक चैनल है इसको मैंने फाइनली फर्स्ट टाइम मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुका है जब से मैंने चैनल लॉन्च किया है। सो इसी तरह सरफेस टेक आगे बढ़ता रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी S9 जो है उसके जो रिव्यू में सबसे पहले मैं उसकी कम्प्लीट बॉडी का मैं कवर करूंगा। तो जिसकी हिसाब से उसकी बॉडी देख सकते हो, फ्रंट में हमको मिलता है कैमरा और स्पीकर मिलता है, बॉटम पे हम देखते हैं तो हमको मिलता है ऑडियो जैक और टाइप सी कनेक्टर हमको दिख जाता है। यहाँ पर राइट साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक पावर ऑन ऑफ हमको बटन मिलता है, और टॉप में हमको मोबाइल के अंदर आपको मिलता है नॉइस कैंसलेशन माइक और हमको सिम ट्रे मिलती है। इस मोबाइल के हम लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो हमको वॉल्यूम रॉकर मिलेगा, प्लस में हमको बिक्सबी बटन मिलेगा। अभी जो बॉडी का ओवरव्यू था वो कम्प्लीटली हो चुका, और अभी मैं आपको मोबाइल के अंदर को स्पेसिफिकेशन में क्या क्या मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बॉडी के बारे में बताना चाहूँगा। इस मोबाइल के अंदर हमको पर्पल, ब्लैक और ब्लू कलर अवेलेबल है मार्केट में। जो इसका जो प्रोसेसर है वो ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसकी सीपीयू की स्पीड है 2.7 गीगाहर्ट्ज़। और इसकी डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो इसका जो डिस्प्ले आता है उसका रिजोल्यूशन है 2960x1440 जो कि एक क्वाड HD प्लस डिस्प्ले। और अभी हम मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो इसके अंदर आप UHD वीडियो शूट कर सकते हो 4K में, जो कि 60 FPS हमको शूट कर पाएंगे हम। और इस मोबाइल के वीडियो के और फोटोज़ के सैंपल मैं वीडियो के लास्ट में रख दूँगा ताकि इसकी क्वालिटी आप चेक कर पाओ। और ये मोबाइल वाटर असिस्टेंट भी है। सो 57,000 में ये जो मोबाइल है मेरे हिसाब से जैसे कि 4K में शूट करता है, लेकिन इसके जो कैमरा की जो क्वालिटी है एक्चुअल में दूसरे जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जितने मार्केट में मोबाइल अवेलेबल है उनसे तो थोड़ी कम ही है। और इस मोबाइल में जैसे कि मेरे पास जो वेरियंट है वो मेरे पास जो 128 GB का जो वेरियंट है जिसमें अभी मेरे पास 86.39 GB मैंने बचा के रखा है। और इसकी जो मेमोरी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको 4 GB की मेमोरी दिखती है जिसमें अभी मैंने 796 MB यूज़ की है। इस मोबाइल के बैक के बारे में बात करूँ तो हमको यहाँ पे ड्यूअल कैमरा मिलता है, और नीचे टिपिकल हमको जैसे कि फिंगरप्रिंट हमको स्कैनर मिलता है, और बाजू में हमको फ्लैश लाइट मिलती है, और नीचे हमको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है। सो सैमसंग गैलेक्सी S9 का आपने रिव्यू तो अच्छे से देख लिया। अभी मैं बात करूंगा जो सवाल था कि क्या अभी आपको ये परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये डिवाइस हमको 57,000 के अंदर मिलता है जिसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस है वो उस हिसाब से मेरे को नहीं मिली जिस हिसाब से मैंने पर्सनली यूज़ किया। उसके मैंने फ़ोटोज और वीडियोज़ भी कैप्चर किए हैं जो कि वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे, वो अच्छे से देख लीजिएगा तो उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा। नो डाउट फोटोज और वीडियो इतनी ख़राब नहीं क्लिक कर रहा, लेकिन जिस हिसाब से प्रीमियम वीडियोस और फोटोज कैप्चर होने चाहिए, जिस हिसाब से प्रीमियम लुक होना चाहिए वो है, लेकिन प्रीमियम परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगी एज ए मैंने जैसे उसे यूज़ किया। सो मेरे हिसाब से तो उस 57,000 अभी के लिए उसको परचेस करना रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो जब से निकला उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे मॉडल्स निकल चुके हैं, काफ़ी सारे अलग अलग कंपनियों ने काफ़ी सारे मोबाइल निकाले हैं जिसमें काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस भी मिले, काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले मिले। और अभी मैं जैसे कि बात करूँ ओप्पो और वीवो ने भी लॉन्च किया है, ओप्पो ने 44,000 में वीवो नेक्स लॉन्च किया है जिसमें आपको बेजललेस डिस्प्ले भी मिलती है, और ओप्पो ने जैसे कि फाइंड एक्स लॉन्च किया है जो कि 60,000 में, उसमें भी आपको ऊपर से जैसे कि कैमरा मिलता है उसमें भी कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ओप्पो और वीवो की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वो 57,000 में आपको सैमसंग मिल रहा है डेफिनेटली वो आपको परफॉर्मेंस देता है, लेकिन मैंने जिस हिसाब से यूज़ किया पर्सनली मैं मेरे हिसाब से बोलूँगा कि अभी के लिए तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। जब वो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे उस चीज़ की वैल्यू थी क्योंकि उस टाइम पे वो अच्छा था, लेकिन उसके बाद जिसके अदर अदर कंपनी से मोबाइल निकाल लिया है उसके बाद मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि आपको आपके लिए एक वीडियो बना दो ताकि आपको मन में अगर ऐसे सवाल हो तो क्लियर हो जाए। इस वीडियो के अंदर अच्छे से आपने देख लिया उसका रिव्यू, उसकी बॉडी, उसका लुक, उसकी परफॉर्मेंस। सो
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपको ऑलरेडी पता ही है ये चैनल हमारा जो सरफेस टेक है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसी तरह हम ग्रो करते रहेंगे। सो ऐसे में काफ़ी अच्छे से वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी सोशल लिंक्स हैं नीचे दी गई है उसको भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए बाय।